बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये देखिए कितना खूबसूरत कितना प्यारा फ्लावर बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप ज़रूर बनाएँ। आप इसका तकिया के कवर का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, टेबल माइट भी बना सकते हैं, थाल पोस डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आप लोगों को चाहिए उतना बड़ा आप लोग बना सकते हैं इसी तरह से बनाते हुए। तो इस तरह से ही बनके तैयार हुआ है, छोटा सा फ्लावर बनाए हैं, इसी तरह से ये बना है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बनाने में भी आसान है। अगर आप लोग बना रहे हैं तो एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखें, फिर बनाने में आसान हो जाएगा। आज हम ये तीन कलर रोन से बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। ये पहले दो उंगली इस तरह से करेंगे, और हम मैजिक रिंग यहाँ बनाएंगे इस तरह से। ये मैजिक रिंग हो गया, धीरे से निकाल के इस तरह से। और यहाँ हम चार चैन लेंगे, इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन एक चैन एक डबल क्रोशिया करके आठ डबल क्रोशिया बनाना है। थोड़ा आराम से बनाना है, बड़ा छोटा ना डबल क्रोशिया हो जाए। तो देखिए इस तरह से बन गया है। अब इसको हम खींच के टाइट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो है एक दो तीन, तीसरे और एक चैन में हम इसको जोड़ देंगे। एक दो, ये तीसरा वाला है यहाँ इस तरह से। ये इस तरह से बन गया है। एक बार और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाजू वाला जो डबल क्रोशिया है ये, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच छः सात। और ये इसके बाजू वाला ये है डबल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। और उसके बाजू वाले में यहाँ फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सेवन डबल क्रोशिया दो तीन चार पाँच छः सात, इसी तरह से बना लेते हैं। फिर ये इसके बाजू वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो आगे भी दो डिज़ाइन हम बना लेते हैं। तो ये बना के कंप्लीट हो गया है। यहाँ जहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे फिर से इस तरह से सिल्क स्टिचिंग करके यहाँ और इस तरह से सिल देंगे। और ये जो ऊन है इसको हम
यहाँ कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ ये पीला ऊन लगाएंगे। इस तरह से गांठ लगा लें और फिर यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे और उसी में जहाँ हम ये जोड़े हैं ज्वाइन किए हैं वहीं से डबल क्रोशिया बनाएंगे। वहीं ये डबल क्रोशिया, फिर 2 3 3 चैन लेंगे और उसी जगह पे फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, पहले 2 चैन लेना है यहाँ पे 3 फिर 2 और डबल क्रोशिया सेम ही बनेगा उसी जगह पे एक ही लुक में। ये इस तरह से पूरा ऊन लें तो यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अब यहाँ 5 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया जिस तरह से यहाँ बना है इसी तरह से यहाँ पर बनेगा। तो 1 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, 2 चैन के बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन, इसके बाद में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। तो हम यहाँ और यहाँ बना लेते हैं। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ 1 2 ये 3 वाला जो है यहाँ पे सिल्क स्टिच करके इस तरह से जोड़ देंगे और एक बार फिर सिल्क स्टिच करेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे, अभी चैन और 1 डबल क्रोशिया मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया करते हैं और यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच वाले लुक में। ये देखिए बीच वाले लुक में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया करना है 7 बार। 3 4 5 6 7 अब यहाँ हम ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 तो ये जो 1 2 3 ये वाला है जो आधे आते हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से जोड़ेंगे। फिर यहाँ से इसमें करके इसी तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार पाँच छः और 7 इसी तरह से हम आगे भी बना लेते हैं। ये 2 3 ये बीचों बीच वाला ले लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला बचा है इसको हम इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये वाला हम
तरह से इसको हम पीछे कर देंगे। अब हम यहाँ ये ग्रीन कलर लगाएंगे इस तरह, और यहीं सिंगल क्रोशिया से हम फिर से शुरुआत करेंगे इस तरह से जोड़कर, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेकर फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेकर फिर से हम यहाँ ये सिंगल क्रोशिया पे आएंगे और यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ बनाए थे इसी तरह से हम यहाँ बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया इसके बाद में फिर तीन चैन, तीन चैन और एक डबल क्रोशिया के बाद फिर से दो चैन और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन लेकर फिर से हम यहाँ इस तरह बनाएंगे, दो चैन और एक डबल क्रोशिया। तो ये इसी तरह से बनेगा यहाँ और यहाँ इस तरह से रहेगा और यहाँ 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 इस तरह से बनेगा। फिर से पांच चैन लेंगे, तीन चार पाँच, और फिर से हम यहाँ दो चैन तीन चैन यहाँ दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे का अलग डिजाइन है, ये वाला अलग डिजाइन है और हरा का अलग डिजाइन लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक दो तीन, तीसरे वाले चैन में यहाँ हम जोड़ देते हैं ये राउंड कंप्लीट करके। ये देखिए, और फिर एक बार हम स्लिप स्टिचिंग करके यहाँ तीन चैन बना लेंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन चैन और ये डबल क्रोशिया मिला के दो डबल क्रोशिया हो गया है। इसी तरह से हम सात बार बनाएंगे तो चार डबल क्रोशिया हो गया, पाँच छ और ये सात हो गया है। तो जिस तरह से हम यहाँ नीचे ज्वाइन किए थे यहाँ पे, इसी तरह से हम यहाँ फिर करेंगे। ये देखिए, ये वाला लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सात बार, दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार हो गया है। तो सात बार बना के फिर हम यहाँ बीच वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बना देंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें दूसरे वाले लूप में फिर से सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, और फिर ये वाला लेकर हम इस तरह से बना देंगे और फिर यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह से हम यहाँ बनाए हैं सात डबल क्रोशिया। ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छः
और ये 7। तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा राउंड। देखिए इस तरह से बनके तैयार हुआ है। अब हम यहाँ जोड़ेंगे, ये आखिरी वाला है। इस तरह से, और यहाँ तीसरे वाले चैन से हम यहाँ इस तरह से लेंगे। यहाँ से चैन लेकर ये वाला यहाँ हम लाएंगे, इस तरह से फंदा खींच लेंगे, और यहाँ एक चैन बनाकर ये वाला कट कर देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक भी कर दिया करें। इसी तरह से ये बना है, आप लोग ज़रूर बनाएं। और अगर आप लोग टेबल कवर बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बना सकते हैं, बड़ा भी जितना बड़ा बनाना चाहें।